हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। पुष्पा का फीवर दर्शकों पर यूं चढ़ा हुआ है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। अल्लू अर्जुन के स्टाइल से लेकर रश्मिका मंदाना के भोलेपन और समंथा के सेक्सी मूव्स सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसका बज अभी भी बना हुआ है। फिल्म की सक्सेस के बाद अल्लू अर्जुन ने दर्शकों की डिमांड के बाद फिल्म से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया और उनका ये दांव खेलना फायदेमंद भी साबित हुआ। आखिर क्या था दर्शकों की डिमांड पर लिया फिल्म पुष्पा से जुड़ा वो फैसला, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि हाल ही में इस बात का खुलासा अल्लू अर्जुन ने एक लीडिंग वेबसाइट से बातचीत के दौरान किया है। अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म पुष्पा से जुड़े कई राज से पर्दा उठाया है। अल्लू अर्जुन ने इंटरव्यू में कहा, पुष्पा को दूसरी भाषाओं में रिलीज करने का फैसला हमने टीवी के टीआरपी आंकड़ों को देखने के बाद ही लिया। यूट्यूब पर बन रहे रिकॉर्ड से हमारे इस फैसले को मजबूती मिली। अला वैकुंठ पुरमुलू देश में सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म का रिकॉर्ड बना चुकी है और वो भी दो बार। मुझे लगा लोग मुझे देखना चाहते हैं, अल्लू अर्जुन ने आगे कहा। लेकिन फिल्म को अच्छे से भी रिलीज करना था, मुझे भरोसा था दर्शक मुझे सिनेमाघरों में देखने जरूर आएंगे और मेरा यह भरोसा लोगों ने बनाए रखा। सोशल मीडिया के जरिए ये प्यार समझ आ जाता है, लोगों में मेरी ओर खिंचाव मौजूद था और इसकी धड़कन समझ भी आ रही थी। कहना गलत नहीं होगा कि दर्शकों पर भरोसा कर अल्लू अर्जुन का उठाया ये कदम सफल साबित हुआ। पुष्पा का फायरी अंदाज सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है। पुष्पा इन दिनों ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। इतना ही नहीं, हिंदी बेल्ट में कोरोना के थर्ड वेव के बीच पुष्पा ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर हर किसी को हैरत में डाल दिया है। फिल्म को मिले रिस्पॉन्स से पूरी फिल्म इंडस्ट्री काफी खुश नजर आ रही है। वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 350 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी 17 दिसंबर को इसी साल रिलीज किया जाएगा। फिल्म की शूटिंग मार्च में शुरू हो सकती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।